ही चला चल रहा ही, यूं ही चला चल रहा ही, कितनी हसीन है ये दुनिया। इस लॉजिक पे चलते रहते तो प्रगति का सफर कठिन होता, इसलिए मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया। देश की अर्थव्यवस्था को एनर्जी देता है एक मजबूत लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। 2014 तक इंडिया में 74 एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल थे। 9 साल में मोदी सरकार ने 74 और नए एयरपोर्ट बनाए। हाईवे कंस्ट्रक्शन पर ईयर की स्पीड की बात करें तो 37 किलोमीटर पर डे का रिकॉर्ड 2020 से 21 में बना। पिछले 9 साल में 53,800 किलोमीटर से अधिक हमारे हाईवे नेटवर्क में जुड़े हैं। 2014 से अब तक 3,28,000 किलोमीटर रूरल रोड्स निर्मित हुए हैं। 2 दशक से अटका पड़ा अटल टनल प्रोजेक्ट मोदी सरकार ने पूरा कर जनता को समर्पित किया। प्रगति प्लेटफार्म से प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं 300 से अधिक प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग और कंप्लीशन की निगरानी की है। और अब पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन और इम्प्लीमेंटेशन का बेजोड़ दौर शुरू हुआ है, जहां ग्लोबल लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में हम 2014 में 54वें स्थान पर थे, 2022 में 38वें स्थान पर पहुंचे। अब 2047 तक के आज़ादी के अमृत महोत्सव में भारत ग्लोबल लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में कई पायदान और आगे बढ़ने के लिए तैयार है।